दोस्तों आज हमारे साथ में है एस वॉल और इंजीनियर क्लास के लिए एक्सक्लूसिव कर दिया गया है ये अपन बैटलफील्ड 4 में और बड़ी पतली दुबली कमरिया है इसकी चिकनी है ये और ज़बरदस्त लगी मुझे ये चलाने के मामले में, पर हमेशा लेकर मैं इसको घूमना नहीं चाहूँगा क्योंकि बैटलफील्ड 3 में एस वॉल मेरी सबसे पसंदीदा PDW थी और उसमें खास बात ये थी कि अगर आप सपोर्ट क्लास से भी चल रहे हो तो आप एस वॉल लेकर चल सकते थे और किसी भी क्लास के साथ लेकर चल सकते थे और बैटलफील्ड 3 में इसके जो गोलियां थी वो 30 की थी, पर बैटलफील्ड 4 में इसकी गोलियां 21 कर दी गई हैं अगर पहले से ये एक बुलेट है मैगजीन के अंदर तो यही खास बात मुझे बैटलफील्ड 3 में इसकी लगी कि आप सपोर्ट क्लास के साथ भी रह सकते हो और अगर आपकी गोलियां ख़त्म हो गई हैं तो सपोर्ट क्लास से बस अपना डब्बा फेंको, गोलियां उठाओ और तड़ 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 फायर करते रहो। तो एस वॉल का जो फायर रेट है वो 900 का है बैटलफील्ड 4 में और इसका जो डैमेज है वो 30 का है, यानी कि अगर आप हार्ड कोर खेल रहे हो बैटलफील्ड 4 में तो आप 8 मीटर तक किसी को भी दो गोलियों में मार सकते हो, 8 मीटर तक किसी को भी दो गोलियों में मार सकते हो। और अगर आप नॉर्मल मैप्स में खेल रहे हो, नॉर्मल सेटिंग्स में खेल रहे हो तो किसी को भी मारने के लिए आपको 4 गोलियां लगेंगी क्योंकि इसका 30 का डैमेज है और 4 गोलियां भी देखते ही देखते फायर हो जाती हैं। और सबसे पसंदीदा मेरा इसमें लोड आउट रहेगा इसके साथ स्टबी ग्रिप, क्योंकि आप कोई बैरल इस पर लगा नहीं सकते हो, इनबिल्ट सप्रेसर इसमें लगा हुआ है। और जब मैं ऐसे खेल रहा था बैटलफील्ड 4 में तो मैंने एक बात नोटिस करी जो कि मुझे खेलते खेलते समझ पड़ी कि इसकी जो ये फायर रेट 900 का होते हुए भी थोड़ा ये धीमे चल रही थी गन, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जब मैंने चेक किया और जाना कि बैटलफील्ड 3 की जो एस वॉल थी वो 333 मीटर प्रति सेकंड की गति के हिसाब से इसकी गोलियां जाती थी और बैटलफील्ड 4 की जो एस वॉल है इसकी जो गोलियां हैं वो 300 मीटर प्रति सेकंड के की गति से जाती हैं, इसलिए मुझे लग भी रहा था और फिर वो निकला भी कि बैटलफील्ड 4 की जो एस वॉल है उसकी गति थोड़ी सी कम है बैटलफील्ड 3 वाली एस वॉल के हिसाब से। और ओवरऑल मुझे ये वेपन कुछ खास नहीं लगा क्योंकि आप इसको हमेशा लेके नहीं चल सकते, जैसे होता था ना बैटलफील्ड 3 में कि आप भाई सब हर कोई अपनी एक बंदूक चूज़ कर लेता था और अधिकतर लोगों को M16 पसंद आती थी तो असॉल्ट क्लास वाले अपनी एक बंदूक चूज़ कर लिया करते थे, जैसे A94 बाबा रे बाबा बहुत ज़बरदस्त बंदूक लगी थी वो मुझे और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि बैटलफील्ड 4 की कौन सी DLC वो हमें खेलने मिलेगी। तो A94 कुछ पसंद किया करते थे, कुछ M416, कुछ M16A3 पसंद किया करते थे, किसी को AK971 पसंद थी, तो उसी हिसाब से मुझे ASOL बहुत पसंद थी। और कुछ मैंने शायद 5800 के आसपास कुछ किल्स कर रखी हैं बैटलफील्ड 3 में इससे, और पर अगर उस नज़रिए से हम देखें तो ये वेपन मुझे उस तरीके का नहीं लगता कि आप हर समय इस वेपन को लेकर चल सको बैटलफील्ड 4 में। हालांकि इसके अपने फ़ायदे हैं कि आप मैप में दिखते नहीं हो अगर आप ये बंदूक लेकर चल रहे हो क्योंकि इसमें इनबिल्ट सप्रेसर लगा हुआ है, पर फिर भी मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप लोगों, क्योंकि खेलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का गेम प्ले खेलता है, और इसलिए मेरी फर्स्ट चॉइस तो नहीं रहेगी अगर मुझे हमेशा इसी गन से खेलना हो तो मेरी ये अभी तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस तो नहीं है। तो बात करते हैं इसके झटके की यानी ये रिकॉइल की। तो इसका रिकॉइल जो है ऊपर की ओर है 0.4 का, बाईं ओर है -0.4 का और दाईं ओर है -0.1 का। तो अगर इसकी मारक क्षमता की मैं बात करूं तो क्लोज क्वार्टर में ये वेपन आपको हमेशा तो नहीं, 10 में से 8 या 9 बार आपको जीत दिला सकता है। ये वेपन बहुत ज़ोरदार है और निर्भर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और मेरा लोड आउट मैंने जैसा कि बताया कि मैं स्टबी ग्रिप इस पर ले जाना चाहूँगा और इस वेपन का जो हिप फायर है बिना एम डाउन किए हुए जो उसका हिप फायर है वो पहले से ही इतना अच्छा है कि अगर आप इस पर स्टबी ग्रिप भी लगा लो तो भी दूसरे बंदूकों के मुकाबले इसका हिप फायर काफ़ी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता नहीं कि इस पर एर्गो ग्रिप की कोई आवश्यकता है क्योंकि पहले से ही इसका जो हिप फायर अच्छा दिया हुआ है। और जो बंदे FPS गेम बैटलफील्ड 3 से भी अगर जिन्होंने शुरुआत करी है PC पे या कंसोल पे तो मुझे नहीं लगता कि उनको एर्गो ग्रिप इस वेपन पे लगाने की कोई ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि इतना आप खेल चुके हो तो जाहिर सी बात है आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो ही गई होगी हिप फायर में। और मैं बैटलफील्ड 4 खेलता हूँ PC पर, बैटलफील्ड 3 मेरे पास PS3 पर भी था और बैटलफील्ड 3 मेरे पास PC पर भी है। और पर मुझे लगता है क्योंकि आप माउस को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के हैंडल कर सकते हो और आपकी टर्निंग स्पीड आप बढ़ा सकते हो, हालांकि कंसोल पे भी बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे आपको 5 उंगलियों से हथेली से अपना माउस पकड़ना होता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अच्छे से अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंसोल पे बेकार खिलाड़ी होते हैं, कंसोल पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्नाइपर्स और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो
जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, पर अगर वही खिलाड़ी अपनी क्षमता पीसी पर आजमाएं एक अच्छे माउस और अच्छे हार्डवेयर के साथ, तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि वही खिलाड़ी पीसी पर और अच्छा कर पाएंगे। तो ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है और मेरी जो व्यक्तिगत समझ से मैं ये बात कर रहा हूँ। और कॉन्सोल के बारे में मुझे ये लगता है कि मैं जिस वजह से कॉन्सोल ख़रीदता हूँ वो यही है कि मुझे जो एक्सक्लूसिव गेम होते हैं, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर मेरा जो पसंदीदा गेम है, गेम्स का गेम है, गॉड ऑफ वॉर है, इसलिए मैंने PS4 लिया, और इसीलिए मैंने PS2 लिया था, इसीलिए मैंने PS3 लिया था, और इसलिए मैंने अब जाकर फिर से मैंने PS4 लिया। तो एक्सक्लूसिव के लिए ही मैं कॉन्सोल ख़रीदता हूँ, और उस एक्सक्लूसिव में किलजोन भी आ जाता है। किलजोन भी मुझे पसंद है, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद गॉड ऑफ वॉर है, इसीलिए मैंने प्लेस्टेशन को चूज़ किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक्सक्लूसिव खेलने हैं तो वो कॉन्सोल पर ही मिलते हैं, क्योंकि कॉन्सोल पर एक्सक्लूसिव जो गेम डेवलपर्स होते हैं उनको ज़्यादा कमाई मिलती है, और PC पर उतनी उनकी कमाई नहीं होती, कॉन्सोल पर उनकी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो दोस्तों मुझे बताइए कृपा करके कि PS2 के ज़माने से चला आ रहा ऐसा कौन सा गेम है जो अभी तक आपका फेवरेट बना हुआ है, सबसे नंबर 1 पे बना हुआ है। और अगर आपको कोई भी जानकारी शेयर करनी हो कॉन्सोल गेम्स के बारे में या PC गेम्स के बारे में, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ताकि मेरी भी जानकारी में वृद्धि हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय।